नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागनी न्यूज और मैं हूं आपका राजेश कश्यप। हाथों में थाम के लाठी, टोपी पहन के सिर पे आ गई यूपी की पुलिस, देखो अब गाज गिरे किसके। यूपी के डंडार फटकार महकमे का सितम सरकारी खजाने को भरने के लिए, अब आम आदमी पर कुछ इस कदर बढ़ने लगा है कि अब वह स्वयं नियम कायदे भूलकर यूपी की मित्र पुलिस दूसरों को नियम कायदे का पाठ पढ़ाने के लिए सड़कों पर बेताब दिखाई देने लगी है। स्वयं नियम कायदों को ठेंगे पर रखकर आम आदमी को नियमों की नसीहत देने निकली हरदोई पुलिस बुधवार को खुद की ही फजीहत करा बैठी और फिर फजीहत की भरपाई के लिए वर्दी की ठसक और पावर का इस्तेमाल करने पर आमादा हो गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम कस्बे में बुधवार को कुछ युवाओं और बिलग्राम पुलिस के बीच चालान को लेकर विवाद हो गया। गश्त पर निकली बिलग्राम पुलिस बस स्टैंड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान एसआई राजेंद्र ने एक कार को रोका और जबरन चालान काटने पर आमादा हो गए। बिना किसी कारण चालान काटे जाने पर कार में सवार युवक हत्थे से उखड़ गए और पुलिस की निरंकुश कार्यशैली का विरोध करने लगे। इसी दौरान कार सवार युवकों में से एक युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे बिलग्राम पुलिस और युवकों के बीच गर्मा गर्म बहस भी शुरू हो गई, जिसका वायरल वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। कार सवार युवकों ने पुलिस कर्मियों के मास्क न लगाए होने पर आपत्ति जताई और चालान काट रहे एसआई राजेंद्र से पुलिस कर्मियों के भी चालान काटने की मांग करने लगे, जिससे पुलिस और युवकों के बीच कहासुनी बढ़ती ही चली गई। युवकों द्वारा वीडियो वायरल किए जाने पर बिना मास्क चालान काटने विवश पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए और आनंद फानंद में किसी ने जेब में रखा मास्क लगा लिया तो कोई अंगूठे से अपने मुंह को ढककर वर्दी की लाज बचाने का जतन करने लगा। लेकिन यूपी की मित्र पुलिस इतने से ही कहां मानने वाली थी। बिलग्राम पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए वर्दी की ताकत का दुरुपयोग करते हुए कार समेत चारों युवकों को जबरन थाने उठा लाई और उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। चारों युवक किसी बायो कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और वह अपनी ड्यूटी कर वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह घर पहुंचते वर्दी की ठसक उन्हें कोतवाली तक खींच लाई। हालांकि युवकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से बिलग्राम पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही है। अब आगे देखना होगा कि हरदोई जिले के तेज तर्रार SP अजय कुमार अपने महकमे की गलतियों को पर्दा डालने का प्रयास करते हैं या युवकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपने डंडा फटकार महकमे के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करते हैं। वो बंदा आपका मास्क लगाया सर? वो श्रीमान आप वहाँ देखिए, नाक ओपन करके रखे हैं। आप मेरे सामने चालान काट दीजिए उनका। आप लगाइए ना, सामने देखिए, सामने सामने बंदा सामने खड़ा, चालान काटिए सामने। नहीं नहीं, गलत नहीं श्रीमान, श्रीमान गलत नहीं है। यहाँ देखिए, ये देखिए मास्क नहीं लगाया, चालान काटिए इनका, जस्ट अभी काटिए। आपको क्या देखना है भाई? ये दादागर्जी हो रही है पुलिस वालों की, इस वजह से इनको इज्जत नहीं मिलती। ये देखिए, मतलब हम कह रहे हैं हमारा पैसा हराम का है, इनका पैसा मेहनत का है। हम अभी जनाब के मास्क आप देखिए ना, शर्म आनी चाहिए आपको सर। अच्छा आप मेरा चालान कर दो, मैं दस हजार रुपए कमा। क्या बोल के है कि हम जैसे मैं गरीब इंसान हूँ, पढ़ने वाला लड़का, 10,000 रुपए कमा, गलत क्या बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? इनकी पूरी टीम में, आपकी एक भी टीम में मास्क लगा, मास्क क्यों लगाया? राजेश सिंह जी हैं, ये SI हैं बिलग्राम जिला हरदोई के अंदर उत्तर प्रदेश से। श्रीमान की टीम में दो लोग मास्क नहीं लगाए थे, तो उनका चालान नहीं कट रहा है। और हम लोगों ने ये बात सत्य कह दी तो इनको इतना कड़वी लग गई है कि ये गाड़ी को सीज या चालान करने की बात कर रहे हैं। काट दिया मेरा चालान,
बनाइए चला आपका मास्क नीचे है आपकी नाक से इनके इनकी खुद की ना इनकी खुद की नाक से श्रीमान देखिए ये राजेंद्र सिंह जी हैं सर ये खुद की नाक से इनका मास्क नीचे है और ये खुलेआम चालान काट रहे हैं ये खुलेआम इनकी नाक से खुद का इनका मास्क नीचे है और मेरा चालान काट रहे हैं आप झगड़ा करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे मैंने रिक्वेस्ट की थी मैंने सर रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी सर मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की चिल्ला नहीं रहे हम पब्लिक खड़ी है आठ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा आठ लोगों ने आपके फोर्स में से मेरे पास फोटो है।